अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली जंजानी और मैं इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा कराची में 1 से लेके 7 अगस्त तक पर्सनली तौर के ऊपर मुझे मिलने के लिए, अपने किसी भी मसले में इल्म नजूम से रहनुमाई के लिए या फिर अपने नाम का इसमें आज़म लकी जेम्स स्टोन्स और सदकात जानने के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं कराची में 1 से लेके 7 अगस्त तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं सैयद मुसव्वर अली जंजानी। अगर आप लोगों ने अभी तक जंजानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियोस आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और कोई भी चीज़ आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं या फिर हमारे प्रोग्राम्स में आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शंस में लाजमी तौर के पर हमें इन्फॉर्म करें ताकि आप लोगों की ख्वाहिशात और आप लोगों की पसंदीद के मुताबिक हमारी डेली वीडियोस में चीज़ें शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली जंजानी। हमारा जो आज का दिन है 30 जुलाई का दिन, 30 जुलाई का दिन और आज के दिन जो इस्लामी डेट शुरू हुई है इसकी जो शब होगी, यानी कि आज की जो शब है बेसिकली नमाज मगरिब के बाद शब जो है ये है बेसिकली शब रुखसती खतून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहि। तो इस लिहाज से ये बहुत ही मुबारक शब है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और रूहानी तौर के पर फ्यूज़ बरकत लाजमी हासिल करें। इसके साथ साथ आज के दिन को अगर हम लोग आसमानी कौंसिल के ऊपर देखें तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, जिसमें पहला जो ज़ोडियक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वालों का जो आज का दिन है, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात तो पॉजिटिव हो जाएंगे लेकिन आप लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसी ख्वाहिशात का इजहार मुमकिन है जो कि आप फौरी तौर के ऊपर पूरा ना कर सकें, तो कोशिश करें कि उनकी ख्वाहिशात को रद्द बिल्कुल मत करें। आप लोग सुने ज़रूर और अगर आप पूरा कर सकते हैं तो लाजमी करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसको रद्द मत करें, उनको थोड़ी सी आस दिला देना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सेंट टॉरस बुर्जसौर, बुर्जसौर वालों का जो आज का दिन है रोमानवी माहौल बड़ा खुशगवार नज़र आता है और यही वजह है कि जहाँ पर रोमानवी माहौल खुशगवार है वहीं भी आपके प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से बहुत सारे काम भी इंशाल्लाह मुस्बत ही रहते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट सेंट जमनाए बुर्ज जौजा, बुर्ज जौजा वालों को जो आज का दिन है कुछ रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात में बहाली बेहतर है लेकिन आज का दिन कुछ सफ़र के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है कि जो सफ़र आज के दिन किया जा रहा है ख़ास बुनियादों के ऊपर उसके मकासद इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी हासिल होंगे, लेकिन दौरान सफ़र आप लोगों ने अजनबी अफराद से मोहतात रहना है और अपने लगेज का भी लाजमी तौर के ऊपर ख्याल रखें। नेक्स्ट सेंट कैंसर बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान वालों का जो आज का दिन है कुछ शराखती कामों में आप लोग हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कुछ कामों की इब्तदा भी कर सकते हैं या अगर पहले से चल रहे हैं तो उनको मजीद और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंट लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन के लिहाज से आप लोग अजीज़ो कारीब रिश्तेदार बहन भाई इन सभी लोगों के साथ अपने मरासम को बेहतर बनाने के ख्वाहान नज़र आएंगे और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन आज के दिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों की फाइनेंशियल पोजिशन है, माली लिहाज से जो अखराजात आप लोगों ने समेटने हैं पूरे करने हैं उसके बारे में प्लानिंग्स आपकी आज के दिन लाजमी रहनी चाहिए। नेक्स्ट सेंट वेगो बुर्ज शिमला, बुर्ज शिमला के जो लोग हैं आज के दिन थोड़े से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें तो ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि जल्दबाजी में कुछ ऐसे जज्बात का इजहार हो सकता है जो कि आपकी इज्जत रिस्पेक्ट को थोड़ा सा डीग्रेड करे या फिर दूसरों के साथ बिला वजह लड़ाई झगड़े की कैफियत भी बन सकती है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखें और इमोशन के साथ साथ जल्दबाजी में कही हुई बातें और गुस्से को भी कंट्रोल रखें। नेक्स्ट सेंट लिब्रा बुर्ज मेज़ान, बुर्ज मेज़ान के जो लोग हैं आज के दिन के लिहाज से आप लोग काफ़ी हद तक कुछ अपने ज़िंदगी में नए कामों की तरफ रागिब नज़र आते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तरफ, नई सोचों की तरफ, नई प्लानिंग्स की तरफ, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से और इवन कुछ ज़िंदगी में नए दोस्तों के अतबार से भी आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें शामिल हो रही हैं और आज के दिन के लिहाज से आप लोगों की ज़िंदगी में नए मामलों का शमूलियत करना आपके लिए अगले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट सेंट स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम, स्कॉर्पियंस के हामिल जो लोग हैं आज के दिन के लिहाज से कुछ तरक्की की राहों के ऊपर रागिब नज़र आते हैं लेकिन जहाँ पे तरक्की की राहों पर रागिब हैं वहीं पे अनकरीब किसी सफ़र की प्लानिंग्स भी आप लोग करते हुए मुमकिनात में से नज़र आएंगे, लेकिन आज का जो दिन है बेसिकली जहाँ पर प्लानिंग्स हैं तरक्की है वहीं पर थोड़े से अपने ख्याल को भी समेटने की कोशिश करें, अपने ख्वाबों को थोड़ा सा हकीकत का रंग लाजमी रखें। नेक्स्ट सेंट सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है सही से जिस्मानी के बारे में थोड़ी सी एहतियात लाजम है, इवन अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं या रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे पहले सदका ज़रूर दें और इसके साथ साथ
आपका जो शरीक हमसफ़र है या फिर शरीक सफ़र है, जिसके साथ आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके साथ आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोनों ही फ़र्द आज के दिन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। और अगर आपको उनकी तरफ से कोई मशवरा मिल रहा है, कोई एडवाइस की जा रही है, तो उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर आप लोग अमल दरामद करें, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नेक्जॉडिक्स एंड कैप्रिकॉन बर्ड जल्दी कैप्रिकॉनियंस के हामिल जो लोग हैं, आज के दिन के लिहाज से आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी काफ़ी हद तक थोड़ी सी एहतियात की हामिल है, क्योंकि सेंसिटिविटी का शिकार है और जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं उस फर्द के मिजाज में थोड़ी सी हसासियत और थोड़ी सी नेगेटिविटी का मिलाप नज़र आता है, जो कि आपकी रोमानवी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो कोशिश करें कि रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से हसासियत को थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, दूसरे फर्द के मिजाज को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ आपका जो आज का अपना दिन है ज़ाती, आज के दिन के लिहाज से आप इजाफी तौर के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें, और बहुत ज़्यादा बर्डन की कैफियत अपने जहन के ऊपर मत डालें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। नेक्जॉडिक्स एंड एक्वेरियस बर्ड तलब एक्वेरियस के हामिल जो लोग हैं, आज के दिन के लिहाज से कुछ कारोबारी मामला परेशान कुन हो सकते हैं, या फिर जो डीलिंग्स आप लोग कर रहे हैं अपने मुश्तरक मामलात में, मुलाजमती मामलात में या ज़ाती बिजनेस में भी दूसरे लोगों के साथ, तो दूसरे जो लोग हैं फरीक हैं वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अपने इमोशंस को और अपनी बात करने के अंदाज़ को, यानी कि अपनी टोन को थोड़ा सा आप लोगों ने नरमी की तरफ रखने की कोशिश करें। लास्ट ज़ोडियक साइन पाइसेस बुर्ज हौत पाइसेस वालों को जो आज का दिन है कुछ मामलात ख़ास तवज्जो के मुस्तक नज़र आते हैं, आप लोगों के करीबी दोस्तों के अतबार से, आप लोगों की माजी में की गई प्लानिंग्स या फिर माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स या लिटिगेशन के अतबार से, तो कानूनी मामलात भी खास तवज्जो के मुस्तक हैं, जिनके बारे में कतई तौर के ऊपर कोई कोताही या नेगलिजेंसी आज के दिन नहीं होनी चाहिए। आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से कल पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।